हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, जीनिया के प्लांट्स जो है अक्सर रिपोर्टिंग के बाद जो है वो खराब होने लगते हैं, पत्तियाँ जो है सूख करके उनकी क्रिस्पी जैसे होने लगती है। तो आज दोस्तों इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली आप उनको मिट्टी में लगाइए और कुछ की जो है हम लोग किसी और पॉट में ग्रो करके उनका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जीनिया जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको कि जहाँ पर आपको ग्रो करना है वहीं पर ही उसके सीड्स लगाइए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो है रिपोर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मतलब कि ट्रांसप्लांट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगर जो है किसी कारणवश इसको ट्रांसप्लांट भी करना पड़ गया है दोस्तों, तो ये है कि बहुत छोटी सीडलिंग्स करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आपके संग पूरा रिपोर्टिंग का प्रोसेस भी शेयर करते हैं और उसमें जो है हम आपको बताते हैं कि क्या मिस्टेक्स रह जाती हैं जिनके कारण प्लांट्स जो है खराब हो जाते हैं। दोस्तों, ये वाले प्लांट्स थे जो कि मैंने नर्सरी से खरीदे थे। पहली मिस्टेक्स थी, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लालच में खरीद लिए थे। एक तो रिपोर्टिंग पसंद नहीं करता है, दूसरे इतने बड़े प्लांट्स खरीद लिए थे। अच्छा, हम आपको कई सारी गलतियां बताएंगे, तो हो सकता है आप में सारी ना हो करके शायद कोई एक दो हो गई हो, उससे प्लांट खराब हो गया है, तो आप चेक कर लेना। नर्सरी में दोस्तों प्लांट्स इसलिए नहीं खराब होते हैं कि एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में ये बहुत समय तक लगे रहते हैं, इनको हिलाया नहीं जाता है। जब हम लोग वहाँ से लेकर के आते हैं तो कई बार क्या होता है, जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर से प्लांट की जड़ें निकल करके वहाँ पर फैल जाती हैं, मिट्टी में, नर्सरी की मिट्टी में फैल जाती हैं। तो जब माली हम लोग को खींच करके दे देता है, तोड़ देता है, तो प्लांट को सबसे पहले झटका वहीं पर लगता है। देखिए, जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो थोड़ी बहुत रूट्स अगर उनके डैमेज हो जाए तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सीजनल प्लांट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी तो लाइफ ही 2-3 महीने रहती है, तो इसलिए ये जो है तुरंत शॉक में चले जाते हैं। रिपोर्टिंग जब भी करें तो शाम के समय करें। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को देखिए कम से कम 6-7 डेज तक छायादार जगह पर रखना चाहिए या ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ बहुत हल्की धूप दोस्तों लगे। मेरे टेरेस पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इतने सारे प्लांट्स को मैं रिपोर्ट करके रख सकूँ। मिट्टी जो बनाइएगा वो अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाइएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल डाल करके बनाइएगा। मेरी ये मिट्टी वही है दोस्तों जो कि मैंने अपने कंपोस्ट के उसमें से निकाली थी, आपके संग शेयर किया था, तो उसी मिट्टी में लगाया है। ये जो आप देख रहे हो सीडलिंग दोस्तों, ये हमने ऑनलाइन सीड्स खरीदे थे, आपके संग शेयर भी किया था, तो वही डाले हैं हमने यहाँ पर। 3-4 ही सीड्स अभी तक निकले हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट में पानी अच्छी तरीके से पहली बार दे देना है। इसके बाद तभी पानी डालें जब आपको मिट्टी ऊपर से सूखी दिखने लग जाए, क्योंकि जब ऊपर से सूखी दिखेगी तब भी अंदर जो है मॉइस्चर बना रहेगा। रिपोर्टिंग जो है कभी भी बहुत बड़े गमले में ना करें। मेरा ग्रो बैग बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने एक में जो था 2-2, 3-3 भी लगा दिए हैं। कोशिश करिए 7-8 इंच के गमले में लगाइएगा या फिर प्लांट के साइज़ के हिसाब से। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, प्लांट की पत्तियों में पानी ना डालें, फूल में पानी ना डालें, क्योंकि इसमें फंगस बहुत तेज आ जाती है। तो अगर कई बार पत्तियां जो हैं इसकी फंगस से भी क्रिस्पी सी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो दोस्तों ये भी होता है कि आप उसमें फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हो। फंजीसाइड स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है उसकी पत्तियों को हटा दीजिए, जैसे मैं सिंपल काम करती हूँ, उसकी पत्तियों को हटा दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ से इसकी पत्तियाँ रहती हैं, ये मेरे नए प्लांट हैं जो मैंने रिपोर्ट किए थे, ये 2 दिन बाद आपको हम दिखा रहे हैं। तो जहाँ से पत्तियाँ निकली होती हैं वहाँ से कई बार नई टहनी स्टेम भी ग्रो हो जाती है, तो हो सकता है नई टहनी स्टेम जो है वो बढ़िया रहे, वो आपके उसके हिसाब से चल जाए, तो ये काम आप कर सकते हो। तो जीनिया के प्लांट में फंगस के उसके चक्कर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप देखना कि आपके में कौन सी प्रॉब्लम आई है। मैंने आपको अभी तक 2-3 प्रॉब्लम्स बता दी हैं। इसको जो है आपको बहुत फुल, मतलब ये फुल सनलाइट में तो रहता है, लेकिन हम जैसे जो ख़राब प्लांट है उसको पूरा हटा दीजिए। लेकिन अगर ये भी ध्यान रखिएगा कि हम इस समय जो है ग्रीन नेट के नीचे रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ दोस्तों बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। जो हम लोग यूपी में, MP में, राजस्थान, इन सब जगहों पर रहते हैं, बहुत गर्म पड़ता है, तो प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, जीनिया की जो है कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, उसमें एक वेराइटी लिलीपुट जीनिया भी होता है।
कई लोग जो है उसके लिलीपुट यानी छोटे साइज़ को देख के सोचते हैं ये बेबी प्लांट है, लेकिन दोस्तों नहीं, अगर उसमें कलियां आई हुई हैं, फूल आए हुए हैं, तो उसकी वो पूरा मैच्योर प्लांट है। और उसको भी अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही कर दी, ओवर वाटरिंग, रिपोर्टिंग, इन सब से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स वो भी प्लांट ख़राब हो सकता है। जब भी जीनिया के प्लांट को लीजिए तो छोटे साइज़ के प्लांट को लीजिए, बेबी प्लांट्स लीजिए। और अगर नहीं पॉसिबल है तो फ्रेंड्स वेट करिए मौसम उचित होने का, तब रिपोर्टिंग करिए, तब प्लांट आपका सर्वाइव कर सकता है। तो मेरे समझ से ये सारी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों। आप चेक करना कि आपके प्लांट में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है इनमें से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं जो हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के संग। तब तक के लिए गुड बाय।